हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होगा। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन एक भाई ने पूछा हुआ है कि मान लो हमारी कोई ब्लॉग और या वेबसाइट का कोई पेज है जो गूगल सर्च में इंडेक्स हो गया है और उसे हमें रिमूव करना है, तो हम उसे कैसे रिमूव करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा कोई ऐसी फाइल हमारे होस्टिंग में पड़ी हुई होती है, हमारे वेबसाइट पर कोई ऐसा पेज होता है जिसको हम नहीं चाहते हैं कि वो गूगल में इंडेक्स हो। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब गूगल की सर्च की क्रॉलर आपके साइट पे आती है तो वो सारे पेजेस को इंडेक्स करती चली जाती है, जब तक आपने उस पेज में ये डिफाइन नहीं किया होता है कि भाई इस पेज को मत इंडेक्स करना। चाहे तो वो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी में किया हो डिफाइन, चाहे तो उसे आपने मेटा के थ्रू डिफाइन कराओ कि भाई इस पेज को है वो आपको इंडेक्स नहीं करना है। तो अगर ये नहीं डिफाइन करा तो आपके वेबसाइट का कोई भी पेजेस होगा, चाहे वो आप चाहो या ना चाहो, वो पेज जो है गूगल सर्च में इंडेक्स ही हो जाएगा। तो मान लो आपको नहीं आइडिया था और आपका कोई ऐसा पेज है वेबसाइट का या ब्लॉग का जो गूगल सर्च में इंडेक्स हो गया और आप उसे रिमूव करना चाहते हो, तो मैं आपको तरीके बताऊंगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्या क्या कर सकते हो और आप क्या क्या आपकी कंडीशन बन सकती है, ठीक है ना। तो पहले तो हम बिल्कुल सिंपल कंडीशन लेके चलते हैं कि आपका कोई ब्लॉग है या वेबसाइट, उसका कोई पेज जो गूगल में इंडेक्स हो गया उसे हम कैसे रिमूव करेंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो क्या है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल में ऐड होनी चाहिए। ये है गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी है, जो भी वेबसाइट है वो ऐड होनी चाहिए। अगर आपने नहीं ऐड कराई तो आप यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे जा करके जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जैसे चाहो वैसे उस प्रॉपर्टी को ऐड करा सकते हो सर्च कंसोल में। तो अब सर्च कंसोल में जब आप प्रॉपर्टी को ऐड करा लेते हो तो आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जिससे क्या है, आप अपनी जो भी आपकी वेबसाइट है या वेबसाइट का कोई सब डोमेन पे आपने कोई वेबसाइट डाल रखी है उसका काफ़ी कंट्रोल जो है वो पूरा पूरा कंट्रोल एक तरीके से सर्च का आपको मिल जाता है, जिससे क्या है आप अपने पेजेस की बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हो, चाहे वो पेज की स्पीड से रिलेटेड हो, चाहे तो वो इंडेक्सिंग से रिलेटेड हो, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पर पता चलती रहेगी। तो अब क्या है, मेरी ये प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी एडेड है, आपने नहीं अगर ऐड कराई है तो यहाँ से जा करके आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जब आप देखोगे जाके यहाँ डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से, जब डैशबोर्ड आएगा डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूवल का। इस रिमूवल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर दोगे तो रिमूवल के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको एक एक बटन मिलेगा न्यू रिक्वेस्ट का। अब मैं मान लो जाता हूँ अपनी वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ से और एक किसी पेज को लेता हूँ रिमूवल के लिए। तो जैसे कि आप अगर ये देखो जा करके कि मैंने ये पेज अगर लिया, ये पेज जो है मेरा गूगल में इंडेक्स हो गया और इसे अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा। पूरा पूरा यूआरएल आपको यहाँ से एड्रेस बार से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करना न्यू रिक्वेस्ट पे। न्यू रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे फीचर्स आते हैं। रिमूव ऑल यूआरएल दिस प्रीफिक्स, मतलब आप यहाँ पे कोई प्रीफिक्स दे सकते हो, उसके थ्रू आप सारे ही वो प्रीफिक्स जहाँ यहाँ पे उसे वो वर्ड मिलेगा, मान लो आप चाहते हो कि आपका पूरा पूरा जो सब डोमेन है वो पूरा पूरा डी इंडेक्स हो जाए, तो वो सब भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बट यहाँ पर अभी इस आर्टिकल में हम बात कर इस जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर कोई पेज जो है वो आपको सिर्फ रिमूव करना है, तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे हम गए, सारा पूरा पूरा यूआरएल यहाँ पे आप डाल देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा, बता देगा यहाँ पर दिस यूआरएल इन ऑल ऑफ इट्स वेरिएशन, ठीक है ना। HTTP हो, चाहे वो WW पे हो, चाहे वो HTTPS पे हो, सभी जगह पर वो जो है वो 6 मंथ के लिए जो है आपका जो URL है वो वहाँ से हट जाएगा, मतलब ये परमानेंटली ब्लॉक नहीं है, टेम्परेरी ब्लॉक है, ठीक है ना। और आप सबमिट रिक्वेस्ट कर देना, वो रिक्वेस्ट गूगल के पास चली जाएगी और 24 से 48 घंटे में जो अभी आपका पेज है वो गूगल सर्च से रिमूव हो जाएगा। बट ये एक टेम्परेरी मेथड है। अब हम बात करते हैं भाई, आपको ये टेम्परेरी तो यहाँ से आपने रिमूव कर दिया भाई, तुरंत के जल्दी से जल्दी वहाँ से दिखना आपका बंद हो जाएगा। परमानेंटली रिमूव करने के लिए सेम ही पेज को आपको यहाँ से लेना है, जैसे ये पेज है, और आपकी वेबसाइट पर जो भी आप जहाँ पर भी आपने robots.txt फाइल डाल रखी हो उसके अंदर आपको जाना है। robots.txt फाइल, जैसे मान लो मेरी ये robots.txt फाइल पड़ी है, ठीक है ना, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर डिस अलाउ लिख करके आपको जो भी यहाँ जैसे यहाँ पर था वो पूरा URL आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, या स्लैश लगा करके वो पेज का URL वहाँ तक का आप टाइप कर सकते हो। पूरा भी टाइप कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे स्लैश करके टाइप करना उससे होगा क्या ना, जैसे यहाँ पर मान लो मेरे को ये फाइल नहीं चाहिए थी, ये जो है ये फाइल मेरे को चाहिए थी कि ये जो फाइल है गूगल में कभी इंडेक्स ना हो जा करके, तो वो आपने लिख ली। इससे होगा क्या कि 6 महीने के लिए तो आपका जो पेज है वो रिमूव हो गया। 6 महीने के बाद क्या होगा कि जब भी वो पेज री इंडेक्सिंग के लिए या रिक्रॉल के लिए यहाँ पर जाएगा ना, तो उसको robots.txt में ही मिल जाएगा कि भाई ये पेज जो है वो इंडेक्स नहीं करना है, तो वो पेज आपका वापस से गूगल में इंडेक्स नहीं होगा। अब हम एक और सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि मान लो वो पेज आपने क्या है अपनी होस्टिंग से तो डिलीट कर दिया और आप
गूगल से चाहते हो कि वो पेज रिमूव हो जाए, तो आपको सेम ही मेथड यहाँ पर रिमूव वाला करना है। और आप एक काम और कर सकते हो कि भाई ये तो ये सिनारी हो गया कि आपकी वेबसाइट पर पेज तो रहे, फाइल तो रहे, बट क्या है वो सर्च में ना इंडेक्स हो जाकर, तो उसके लिए तो भाई आपने यहाँ तो रिक्वेस्ट डाल दी और रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल पर आपने उसे डिसअलाउ कर दिया, तो वो पेज आपकी वेबसाइट पे तो रहेगा, वेबसाइट में रहने के साथ साथ वो क्या कहते हैं गूगल सर्च में नहीं आएगा, ठीक है ना। और वो कभी भी क्या है जब भी गूगल की क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगी तो वो पेज वापस से कभी इंडेक्स नहीं होगा। बट आपने क्या करा, आप दूसरा सिनारियो ये है कि आपने परमानेंटली पेज रिमूव ही कर दिया, रिमूव के केस में क्या है कि भाई वो आर्टिकल ही वहां से डिलीट कर दिया, तो फिर आप क्या सिंपली आप रिडायरेक्ट कर सकते हो 404 वाले पेज पर कि भाई आर्टिकल नॉट फाउंड वाले पेज पर आप अपने पेज को अगर रिडायरेक्ट कर दोगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब उस केस में आपको रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल में दिस अलाउ लिखने की जरूरत नहीं। आप सिंपली अगर आप पेज ही को डिलीट कर रहे हो तो यहाँ से रिक्वेस्ट डाल करके आप यहाँ सर्च से डी इंडेक्स कर देना। और यहाँ पर एक और भी ऑप्शन आता है कैच का, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर यूआरएल कैच, तो यूआरएल के कैच को भी यहाँ से क्लियर कर देना। यूआरएल की कैच कभी कभी इसलिए क्लियर करनी पड़ती है कि मान लीजिए आपने आर्टिकल तो अपना अपडेट कर दिया और वो गूगल में क्या है अपडेटेड नहीं दिखाई दे रहा, तो उस केस में आप यहाँ से यही यूज कर सकते हो। तो दूसरे मेथड में क्या था, अगर परमानेंटली आप डिलीट कर रहे हो तो आप सिंपली 404 पेज पर डायरेक्ट कर दो, या जब भी कोई बंदा उस यूआरएल पर जाए तो आप अपने होम पेज पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको पेजेस को रखना है वहाँ पर और आप नहीं चाहते हो आपकी वेबसाइट पे तो वो पेज रहे, बट आप नहीं चाहते हो कि वो पेज जो है गूगल सर्च में इंडेक्स हो जाकर, तो सिंपली रोबोट्स डॉट टी एक्स टी पर क्या है आप डिसअलाउ कर देना यहाँ पर रिक्वेस्ट डालने के बाद, तो फ्यूचर में वो पेज जो है वो कभी भी आपका सर्च में जो भी है सर्च में होगा वहाँ पर वो इंडेक्स नहीं होगा। तो ये मैथड आप ट्राई कर सकते हो, मैं भी यही मेथड यूज करता हूं। तो आई होप अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भैया आप वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर ऐसी यूजफुल जानकारी चाहिए हो तो भाई चैनल वैनल आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।